अरे भाई लोगों यार, यहाँ पर ये बस तो देखिए भाई साहब, कितने ज्यादा खतरनाक रास्ते के ऊपर भाई मैं यहाँ पर बस चला रहा हूँ। एंड भाई सबसे पहले तो वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है आरिश खान और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा बस वाले एपिसोड्स। बेसिकली यहाँ पर डेली सुबह को जो आते हैं, कभी हमारा टाटा का ट्रक चलता है, कभी हमारी ये बस चलती है। ठीक है, तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट जल्दी से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं हूँ मनाली वाले रास्ते के ऊपर। ये बहुत खतरनाक रास्ता भाई हिमाचल प्रदेश का, और सामने भी एक गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी है। ठीक है भाई, और बस के अंदर ना कुछ सवारी की जगह नहीं थी बैठने की, तो मैंने बस को थोड़ा ना मतलब ऊपर लकड़ियां बांध के सवारी को ऊपर भी बिठा दिया, तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो, अरे भाई, ओ भाई साहब, ये बड़ा ही खतरनाक रास्ता होने वाला है दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में तो। अरे यार, ओ भाई, ओ भाई, सामने भी ये गाड़ी आ रही है आराम से। देखो मुझे ना इस बस को बहुत स्लोली स्लोली चलानी पड़ रही है भाई, क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा खतरनाक है। मुझे भाई देखो खुद को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है बस को ऐसी लोकेशन पर चलाते हुए। भाई पीछे तो देखो कितनी ज्यादा गाड़ियों की लाइन वगैरह लगी हुई है, बट यार देखो मैं ना बिल्कुल भी रिस्क वगैरह नहीं ले सकता हूँ। इतनी ज़्यादा सवारी बैठी है ना अभी इस टाइम मेरे साथ, तो देखो भाई रिस्क लेने का तो इतना सा भी मतलब नहीं बनता है, तो मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत से चलानी पड़ेगी इसे। अरे भाई आराम से आराम से आराम से भाई। ओह कितनी खतरनाक चढ़ाई आ गई दोस्तों, ये देखो आप सभी लोग। ओ भाई साहब, अरे यार इतनी खतरनाक चढ़ाई। ओए ये देखो आप सभी लोग ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, बस को कितना ज्यादा लोड लग रहा है देखो चलने में, देख रहे हो। और भाई साहब कहने को मर्सिडीज की बस है, मर्सिडीज है, वॉल्वो है आप कह सकते हो, बट भाई साहब ऐसी लोकेशन पर बस को चलाना खतरे से खाली नहीं है। मैं आपको बताऊं भाई, वो तो भाई हमारी हिम्मत है जो इतने ज्यादा खतरनाक रास्तों पर भी बस को लेकर आ रहे हैं। वरना भाई अच्छे अच्छे ड्राइवर्स बोलते हैं नहीं जाना है। अब ये रास्ता थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है, ठीक है, अब थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों। चलो रुक जाओ, अब ना बड़े सुकून के साथ यहाँ से बस को मोड़नी है, ठीक है, तो थोड़ा आराम से बैठिएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। भाई साहब ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, आराम से, बड़ा ही खतरनाक रास्ता है भाई। ओके तो थोड़ा लॉन्ग में आकर हम यहां से टर्न काटेंगे और ये हमारी बस कट गई। ओ भाई थोड़े लंबे लंबे टर्न हमने लिए हैं यहाँ पे, पर क्या हुआ है हमारी बस ने जो है इजीली क्रॉस कर लिया है। अब देखो भाई इजीली क्रॉस करने का मीनिंग ये भी नहीं है कि बड़ी आसानी से, यहाँ पर ना ड्राइवर भी कुछ इस टाइप का होना चाहिए जो कि क्रॉस करवा दे इजीली, जो कि तुम्हारा भाई भाई ड्राइवर तो देखो बहुत ही बढ़िया है। ओ भाई भाई साहब गाइस, भाई रास्ता बड़ा खतरनाक है दोस्तों, बड़ा खतरनाक है भाई रास्ता। आराम से, अब ये रास्ता बड़ा ही डेंजरस वाला आ गया। अरे भैया मेरे को तो बड़ा डर लगता है भाई, ये गाड़ी वालों को क्या चुल है यार, रुक जाओ ना, आराम से ही तो चलेंगे। एक तो गाइज मेरी बात सुनिए, बस ना ऐसी लोकेशंस पर बिल्कुल भी एवरेज वगैरह नहीं देती है। एक तो चढ़ाई वगैरह वाला रास्ता है, ऊपर से भाई रिस्क ले रहा हूँ, इतने सारे पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं भाई, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है। और ऊपर से भाई ये पीछे गाड़ी वाले दिमाग में दर्द कर रहे हैं, बहुत सही भाई साहब।
और अगर मैं इंटीरियर से दिखाऊं ना, ये देखो किस तरीके से मुझे बस को चलानी पड़ रही है। इंटीरियर से तो और भी ज्यादा खतरनाक हुआ है भाई साहब व्यू। और रात होने वाली है भाई, रात को तो इस वाले रास्ते पर बड़ा ही खतरनाक मंजर रहता है देखने वाला। गाइस, ओ भाई साहब, मैं बिल्कुल भी ना यहाँ पर तेज चलाने की तो बस को सोच नहीं सकता, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक रास्ता है भाई। तेज चलाने वाला मामला तो है ही नहीं बिल्कुल भी। स्लो ही चलेगी बस, तभी जाकर हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। अगर मैंने तेज़ चलाने की ज़रा सी भी कोशिश की ना और ज़रा सी भी चूक हो गई तो भाई बस के साथ हम भी नीचे गिरेंगे, बस के साथ तुम्हारा भाई भी नीचे जाएगा। बढ़िया, बहुत सही, बढ़िया। आराम से, क्या बात है। ओ भाई वो बस वाला देखो सामने से कितनी तेज आ रहा है। अबे रुक जा ना, उतरी, ये मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, वो बस जो नीचे गिरी है ये भाई मेरी गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ है। ओ गाइस, भाई मेरी गलती की वजह से कुछ नहीं हुआ, बस वाला खुद ही नीचे गिरा है। अबे लोकेशन ही ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। ओ अभी हमारी बस नीचे गिरती भाई, सामने देखो कितने सारे लोग तुम्हें नजर आ रहे हैं वहां पर। लोग बागों ने ना अपना अपना घर बना रखे है यार यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत सही। गाइस भाई रास्ता तो देखो क्या डेंजरस है यार, ऐसे डेंजरस रास्ते के ऊपर तो हमें बस चलानी पड़ रही है। आराम से अब यहाँ से हल्के से मोड़ के निकलनी है। बढ़िया भाई, कहीं पर ये पहाड़ियाँ छोटी हैं और कहीं पर ये पहाड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो भाई इस चीज़ का भी थोड़ा ना समझ में नहीं आता है। चल 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 मेरी धुन्नो, आराम से, बढ़िया। देखो मैंने बस को थोड़ा यहाँ से भगाया, बस वैसे भागती तो है। इंटीरियर से दिखाऊं तुम्हें, क्या खतरनाक मोड़ अभी मैंने लिया है भाई, क्या खतरनाक मोड़ लिया है मैंने भी। ओ भाई बड़ा खतरनाक है यार दोस्तों, अभी ना अंदर तक मेरे को ना महसूस हुआ है कि भाई बस अभी गिरने वाली थी, मेरे को लिटरली महसूस हुई थी दोस्तों ये चीज। बढ़िया, फाइनल दोस्तों, क्या बात है, बहुत सही यार, आराम से। ओ भाई गाइस, ये बस चलाने का काम वाकई में बहुत खतरे वाला है, और ऐसे रोड के ऊपर ना भाई एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही भेजा जाता है, ऐसे किसी लल्लू पंजू आ रहे कह रहे नत्थू कह रहे को नहीं। भाई ऐसी लोकेशन पर जाने के लिए ना भाई, और यहाँ का टिकट भी बहुत महंगा है बस का, 5,000 का एक टिकट है, क्योंकि भाई तो बस का डीजल इतना लगता है प्लस ड्राइवर की जान को भी खतरा है, तो मतलब ऐसी लोकेशन पर जाने के लिए रिस्क बहुत है ना, जितना बड़ा रिस्क उतना पैसा। तो इस टाइम ना इसमें करीब 2,00,000 रुपए की सवारी बैठी है, 50,000 का डीजल तो 1,50,000 रुपये बच रहे हैं। मैं कितनी
सबसे ज्यादा हालत बुरी पता किनकी हो रही है, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उनकी हो रही है। चलो तो गाइस यार फाइनली हम चौक पर पहुंच चुके हैं, अब चौक पर हम यहाँ पर जो है आराम फरमाएंगे, हमें जो है सीधे वाले रास्ते से निकलना है। चलो बढ़िया, बहुत सही। थोड़ा और आगे कर लूं, ये बिल्कुल परफेक्ट। तो लोग बागों की निकलने की जगह भी मैंने कर दी है, एंड अभी ना हमारी बस दोस्तों यहीं पर रुकेगी थोड़ी देर के लिए, तो देखो बस ना यहीं पर रुकने वाली है, उसके बाद ही दोस्तों बस जो है आगे चलेगी, ठीक है। तो कल का हम सफर दोस्तों यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आरिश खान को फटाफट भाई सपोर्ट करो, लव यू ऑल, मैं मिलता हूँ आप सभी से लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय बाय।